इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित सभागार मुहर्रम को लेकर SDM और SDPO द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक रखने की है। SDM श्री शंभुनाथ जी ने बताया कि आगामी मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। साथ ही बताया कि मुहर्रम को लेकर करीब 70 जगहों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। कई जगहों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे की भी तैनाती रहेगी। मुहर्रम अच्छी तरह मनाई जाए उसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुहर्रम को लेकर अग्निशमन सेवा, डॉक्टर, एम्बुलेंस सभी व्यवस्था रहेगी। साथ ही सभी को आगामी मुहर्रम की बधाई भी दी। इस बैठक में कई अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। इम्तियाज जी का विशेष तौर पर और पांडे जी का विशेष तौर पर हम आभार व्यक्त करते हैं। सबों ने तो हम लोगों को आश्वस्त किया कि त्रिवेणीगंज का इतिहास रहा है, शांतिपूर्ण वातावरण में लोग इस पर्व को सफलतापूर्वक मना लेंगे। लेकिन इन लोगों ने हमारी कमियों को और उस पर ध्यान आकृष्ट कराया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि इम्तियाज जी बताए कि DJ पर सर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। हम लोगों ने DJ के जो भाड़ा पर लगाते हैं, DJ मालिक के साथ थाना स्तर पर बैठक कर लिया है। उन लोगों को एकदम इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप DJ को भाड़ा में नहीं देंगे। यदि भाड़ा पे दीजिएगा और वो DJ मोहनपुर में जो अररिया जिला से भीड़ आने वाली सूचना दिए हैं, उसके लिए हम लोग थानाध्यक्ष छातापुर को बता दिए हैं कि वहाँ के मतलब जो अररिया जिला के लोग आने वाले हैं, वहाँ के अखाड़ा वाले से जो अखाड़ा निकालते हैं उससे बात कर लें, उनको हिदायत दे दें कि हमारे छातापुर एरिया में प्रवेश नहीं करेंगे बिना अनुमति। हम लोग छातापुर को इंस्ट्रक्ट कर दिया, वो वहाँ से उतर आए। जब लाइसेंस के जो शर्त होगा उसी उस शर्त को पूरा उसको फॉलो करना होगा। जो भी मालिक होंगे अखाड़ा के या जुलूस के, जो हटिया के, मेला के मालिक होंगे, जिस शर्त पर दिया जाएगा लाइसेंस उस शर्त को पूरा उसको मेंटेन करना होगा, पूरा करना होगा। संभावना कुछ भी तो हम लोग हर एक पहलू पर सतर्क और मुस्तैद रहेंगे। आप आश्वस्त कर दें कि प्रशासन को आप राइट ऑन क्लोज देखेंगे, अपने अपने एक्शन में आप देखेंगे। हाँ, आगामी मुहर्रम पर्व के दृष्टिगत अनुमंडल सभागार में आज SDPO साहब, चेयरमैन साहब और विभिन्न जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आज की गई है और सभी जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण थे यहाँ उपस्थित, उन सबों से उनका फीडबैक लिया गया है। इस पर्व के बारे में विगत वर्षों का अनुभव उनके साथ उनसे लिया गया है और उन्होंने उनमें से बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को बहुत सारे फीडबैक दिए भी हैं। हम लोगों ने भी अब प्रशासनिक तैयारी के बारे में उनको अवगत कराया है। यहाँ की एक अच्छी परंपरा ये रही कि त्रिवेणीगंज में शांतिपूर्वक तरीके से हर एक पर्व मनाया जाता रहा है। लोगों ने आश्वस्त किया है कि हर पर्व की तरह इस पर्व को भी बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक माहौल में मनाया जाएगा और हम आपके मीडिया के माध्यम से समस्त अनुमंडलवासी को आगामी मुहर्रम पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हम लोग के स्तर से जो प्रशासनिक तैयारी है उसमें 107 CRPC के तहत लगभग 732 व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तकरीबन 70 जगह पर लोगों ने पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर CCTV कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। छातापुर में मेला चूँकि एक्सटेंसिव होता है तो वहाँ मेला आयोजक के द्वारा ही 2 ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। हम लोग अपने एंड से जहाँ भी भीड़ लगने की संभावना है वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस विथ डॉक्टर्स एंड ऑल एमिनिटीज हम लोग वहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो आशा है कि यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग मुहर्रम मनाने में सफल होंगे और सब कुछ अच्छा भी रहेगा। थैंक यू। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ।
इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।